जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बॉय पेरिस ओलंपिक 2024 की, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये समाप्त हुआ है, ठीक है। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन करवाया गया था और यहां से आपका प्रश्न आना बिल्कुल तय है। हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है पेरिस ओलंपिक से प्रश्न, ठीक है। तो हम यहां पर स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक यहां पर सारी की सारी बातें करने वाले हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आयोजन की बात करेंगे। तो आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा 33वां, कौन से नंबर का 33वां क्या हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन क्या हुआ है, ये ओलंपिक हुआ है, कितने नंबर का 33वां, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। लेकिन हम पहले यहां पर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है। अगर हम शुरुआत में चले तो 1894 में क्या किया गया था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। एक समिति कब बनाई गई थी, 1894 में। और इसका जो पहला आयोजन करवाया गया था, फर्स्ट आयोजन जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था, यूनान की राजधानी। यूनान की राजधानी कहां पर, एथेंस में। कहां पर हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस में पहला आयोजन हुआ। और ये हर साल, हर प्रति चार वर्ष में क्या होता है, इसका आयोजन करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रति चार वर्ष में क्या करवाया जाता है, इसका आयोजन करवाया जाता है। तो अभी जो हुआ है वो क्या हुआ है, 33वां क्या हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। और 34वां ध्यान रखिएगा, 34वां जो होने वाला है, 34वां जो होने वाला है वो कहां पर होगा, यूएसए के लॉस एंजलिस में। कहां पर, लॉस एंजलिस में क्या होने वाला है, हाँ ध्यान रखिएगा, लॉस एंजलिस में क्या होने वाला है, ये आयोजन होने वाला है 34वां। कहां पर, यूएसए में। कहां पर होने वाला है, यूएसए में होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 33वां क्या हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। अब इसके आयोजन की बात कर लेते हैं, तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक पेरिस में हुआ, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें इसके उद्घाटन की, तो जॉर्डिन्स डू ट्रोकेडेरो एंड सीन में क्या हुआ, इसका आयोजन करवाया गया, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों, तो 206 देशों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, 206 देशों ने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर बनाया गया, अक्सर प्रश्न में आता है तो ध्यान रखिएगा, वो है क्या, फ्रीज। वो क्या है, फ्रीज, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके समापन की बात करें, तो समापन कहां हुआ, तो यहां पर, कहां पर, स्टेड डी फ्रांस में। स्टेड डी फ्रांस में क्या हुआ, इसका समापन करवाया गया, ठीक है। तो ये थी क्या, इसकी प्रारंभिक जानकारी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की हिस्सेदारी किस तरह से रही है, ठीक है। ध्वजवाहक कौन रहे हैं, जहां जहां से प्रश्न आपके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन समारोह में, जब स्टार्टिंग हुआ था इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, ध्वजवाहक कौन रहे हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीवी सिंधु और शरद कमल। कौन कौन, हाँ, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी, पीवी सिंधु और शरद कमल जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन दोनों को क्या बनाया गया था, ध्वजवाहक बनाया गया था, ठीक है, आयोजन समारोह में, ठीक है। पीवी सिंधु की अगर हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, तो 2016 में इन्होंने क्या किया था, रियो ओलंपिक जो हुआ था इसमें रजत पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। साथ साथ इनकी उपलब्धियां क्या रही है, इन्हें क्या दिया जा चुका है, खेल रत्न दिया जा चुका है, साथ साथ पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, शरद कमल जी की बात करें, तो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 2006 में गोल्ड मेडल जीता था और टीम के साथ में 2010 और 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, साथ साथ पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, किसे, शरद कमल जी को, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं और भी, ये तो हो गया किसकी बात, हमने कर लिया आयोजन समारोह में, ठीक है। आयोजन समारोह में क्या हुआ था, ध्वजवाहक कौन था। अब यहां से आता है प्रश्न कि 2024 में, 24 के समापन समारोह की बात हम करते हैं, समापन समारोह की बात करते हैं, तो ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा, अपनी कला से, अपने हुनर से भारत का दिल जीता, वो कौन है, मनु भाकर जी है, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और पी आर श्रीजेश जो कि हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, उसके क्या रहे हैं, ये खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बनाया गया था, हाँ, समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। मनु भाकर जी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने क्या किया है, 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। और शरद जोत सिंह के साथ में इन्होंने दोबारा क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। पी आर श्रीजेश की अगर हम बात करें, तो 2020 और 2024 ध्यान रखिएगा, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इन दोनों में जो हॉकी की हॉकी टीम ने क्या लाया है, कांस्य पदक लाया है, उसके ये क्या रह चुके हैं, खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक जीतने वाली टीम में ये क्या रहे हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, कौन, श्री श्री
जेस, ठीक है, पीआरसी जेस। तो यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई भारत को पहला पदक, भारत को पहला पदक किसने दिलवाया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला पदक किसने दिलवाया, मनु भाकर जी ने दिलवाया, और दूसरा पदक भी मनु भाकर के साथ में, मनु भाकर के साथ में किसने, सरबजोत सिंह ने, किसने, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह ने क्या दिलवाया भारत को, दूसरा मेडल दिलवाया था, कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक, ठीक है। चलिए यहां पर ये हो गया है ना, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। निशानेबाजी में, निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा मेडल जो दिलवाया था वो किसने दिलवाया था, हाँ, स्वप्निल कुसाले जी ने दिलवाया था कांस्य पदक। कौन सा, कांस्य पदक दिलवाया, ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक किसने दिलवाया, हाँ, स्वप्निल कुसाले जी ने दिलवाया, ठीक है भाई। भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में इन्होंने दिलवाया है, ठीक है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कहां से भाई, महाराष्ट्र से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वप्निल कुसाले। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों का कि भाई 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो कितने खेलों को शामिल किया गया दोस्तों, चार खेलों को यहां पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कितने खेलों को, चार खेलों को यहां पर शामिल किया गया है। वो खेल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग, ठीक है, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये चार क्या है, खेल है, जिन्हें क्या किया गया है, इस बार शामिल किया गया है। टोटल कितनी प्रतियोगिताएं, तो 734 प्रतियोगिताएं, कितनी प्रतियोगिताएं, 734 प्रतियोगिताएं यहां पर हुई, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आना बिल्कुल आपका तय है, ठीक है। तो कौन सा रहा है भाई, 71 रहा है, कौन सा रहा है, 71, ठीक है। टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने, तो 6, जिसमें से पांच क्या रहे हैं कांस्य और एक क्या रहा है सिल्वर। सिल्वर जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से पूरा भारत जानता है, ठीक है। भारत कुल 6 पदकों के साथ में पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है, 71 में रहा है। 5 क्या रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल, और एक क्या रहा है, सिल्वर मेडल रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर बात कर ली हमने, अब यहां पर हम आते हैं कि शीर्ष पर कौन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष पर कौन रहा है, चाइना रहा है। टोटल कितने हैं, 90 पदक के साथ में, 39 क्या रहे हैं इसके पास, गोल्ड रहे हैं, सिल्वर कितने, 27, और यहां पर ब्रॉन्ज की बात करें तो कितने, 24, ठीक है। यूएसए की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, तो 38 क्या रहे हैं, गोल्ड रहे हैं, सिल्वर कितने, 42, और ब्रॉन्ज कितने रहे हैं, 42, ठीक है। तो 122 के साथ में क्या है, सेकंड नंबर में है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 18 गोल्ड, 18 सिल्वर और 14 क्या रहे हैं, ब्रॉन्ज रहे हैं, टोटल 50, ठीक है, थर्ड नंबर में। जापान जो रहा है 18 गोल्ड, ठीक है, सिल्वर कितने, 12 और ब्रॉन्ज कितने, 13, टोटल मिलाकर के 43, ठीक है, कौन से नंबर में, फोर्थ नंबर में। फ्रांस जो रहा है वो 16 गोल्ड के साथ में, सिल्वर कितने, 24 और 22 क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्ज, टोटल कितने, 62। और भारत जो रहा है, ठीक है, भारत को इस बार गोल्ड नहीं मिला है, ठीक है, आते आते बच गया, ठीक है। सिल्वर जो है, एक सिल्वर और 5 क्या है, ब्रॉन्ज, टोटल कितने 6। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 71 नंबर में क्या है, भारत रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं हम यहां पर। देखिए पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, क्या जीता भाई, सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाँ, पहला पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ करके इन्होंने क्या किया है, 89.45 मीटर का क्या है, किया है, भाला फेंका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा पदक जीता इन्होंने, सिल्वर जीता, कौन सा, सिल्वर जीता, ठीक है। सभी को गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन सिल्वर ही आ पाया, ठीक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इन्हें इन्हें क्या क्या दिया जा चुका है, अब तक पद्मश्री दिया जा चुका है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, और गोल्डन बॉय के नाम से हम इनको जानते हैं, किसे, हाँ, नीरज चोपड़ा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, कुश्ती में। अब ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप लोगों के लिए कि कुश्ती में भारत का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने क्या किया, कांस्य पदक जीता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और ये व्यक्ति कौन रहे हैं, ये रहे हैं अमन सहरावत जी। कौन रहे हैं भाई, अमन सहरावत जी रहे हैं, जो मात्र 21 साल के हैं। कितने साल के हैं, 21 साल के हैं। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में क्या जीता है, मेडल जीता है। और कौन सा मेडल दिलवाया इन्होंने,
कांस्य पदक, कौन सा भाई? कांस्य पदक, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। जितनी भी चीजें थी आप लोग की इंपोर्टेंट वाली मैंने आपको शामिल कर लिया है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 साल के मात्र क्या है ये खिलाड़ी है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा पदक जीता है भारतीय टीम ने, तो कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था तब भी भारतीय टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भी क्या जीता भारत ने? हाँ, भारतीय टीम ने कांस्य पदक ही जीता है। ठीक है, अगर हम हॉकी टीम के कैप्टन की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह क्या है इसके कैप्टन है। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी की सारी जानकारी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से पूरी की पूरी महत्वपूर्ण होने वाली है और यहां से बाहर आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कैसी जानकारी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।